श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एकादशी के दिन पुंडकेश्वर महादेव अर्थात जब कोई काम अटक रहा, जब कोई कार्य आपका ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब पर जाना चाहता हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, नहीं निकल रहा है, प्रयास कर रहे हो आप, कर्म करो, पर कर्म के साथ में बाबा का नाम भी लेते हुए चलो। शिव कथा है, किसी काम के लिए जा रहे हो आप, किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो काम आपका नहीं हो रहा, अटक रहा है, मार्ग में कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है, कुछ मत करो, संत जी के मंदिर में जाओ, एक सफेद पुष्प कोई सा शिव जी को समर्पित कर आप क्या नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव, भगवान शिव का कुंदकेश्वर, बाबा देव अधिदेव महादेव के भरोसे पर अगर आपने छोड़ दिया, शंकर के भरोसे पर अगर आपने दे दिया, तो ये फिर विश्वास नहीं होना चाहिए कि देव अधिदेव महादेव वो कार्य को करें। पर हम लोगों की जो आदत है ना, बड़ी सी अलग है। अपन सबकी क्या आदत है कि पहले पूरे परिवार वालों से जाकर कहते हैं, मेरा ये काम है कर दोगे क्या, मेरा ये काम है कर दोगे क्या। जब परिवार वाले नहीं करते तो फिर राजनेताओं से कहते, नेताजी ये काम कर दोगे क्या, नेताजी नहीं करेंगे तो दूसरे से कहेंगे, भैया ये काम कर दोगे क्या। सबके पीछे पड़ गए, सबके हाथ जोड़ लिए, सबके पांव पड़ लिए, हर तरह से कार्य कर कर देख लिया, सदूर हाथ जोड़े। मेरा शिव कहता है, मैं कहीं तुझे हाथ जोड़ने ही नहीं देता, एक बार तू मेरे पास तो आकर जोड़ता, और मेरे पास आकर हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास आकर तो केवल दिल जोड़, ये मन जोड़, ये चित्त जोड़, ये वृत्ति जोड़, ये मन को मेरे में लगा कर देख, एक बार तू मेरा होकर तो दे, एक बार दिल से कह तो सही कि शंकर मेरा और मैं शंकर का। एकादशी के दिन हनुमान जी महाराज को तीन तरह की माला समर्पित होती है, एक पीपल के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी आंकड़े के पत्ते की, तीसरी है आंकड़े की माला। आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता, 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए महाराज। इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई बार निश्चित नहीं, बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी पाती का लगा देना महाराज, एक घी का तेल, और आपकी कामना कर आप आ जाइए, आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। अब आप कहेंगे महाराज ये कौन सी पुराण से लिया है, तो आप इसको लिंग पुराण के अंदर देख सकते हैं, आप गीता के गोरखपुर के लिंग पुराण लीजिए, उसके अंदर का आपसे सब व्याख्यान बनना महाराज। एक एक क्रम हमारे शास्त्रों का हम उसको बस ज्ञात कर रहे हैं, हम इधर उधर डोले नहीं, हमारी पुराणों में इतने इतने लेख लेके गए हैं, उसको ही अगर हमने निकाल लिया तो हम जीवन में सुख पा सकते, हम दुखी नहीं।